पवन भारद्वाज, उसकी मां नंदिता भारद्वाज और 8 साल के बेटे रोहन भारद्वाज की हत्या की जाती है जब वो लोग पवन की दूसरी शादी के लिए लड़की देखने गए होते हैं। मौके पर ही मौत हो गई होगी, यानी गोली चलाने वाला विक्टिम के ठीक पीछे ही खड़ा था। इन दोनों की मौत हुए लगभग 4 से 5 दिन हो गए होंगे, क्योंकि लाशें काफी सड़ चुकी हैं। ये लोग 16 अप्रैल को अपने घर से निकले थे आजमगढ़ के लिए और उसी दिन से लापता थे। पवन भारद्वाज के बेटे रोहन की लाश आउटर इलाहाबाद पुलिस को मिली थी और उसकी गाड़ी बनारस पुलिस को हाईवे पर से मिली थी। कुंदन, इस ट्रिपल मर्डर की क्या वजह हो सकती है? एक बार ये पता चल जाए तो कब कैसे किसने ये कांड किया है ये जानने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। सर, इस वक्त हमारे पास 3 सस्पेक्ट्स हैं जिनके पास वजह हो सकती है इन तीनों को मारने की। निखिल भारद्वाज अब मालिक बन चुका है लगभग 5 करोड़ की प्रॉपर्टी का और उसे पहले से पता था कि उसकी फैमिली कब और कितने बजे आजमगढ़ के लिए निकलने वाली। हो सकता है पवन की एक्स वाइफ रजनी को भी ये बात पता चल गई हो। यूं तो इस हादसे में रजनी ने भी अपने बेटे को खोया है, पर देखा जाए तो वो अपने बेटे को 4 साल पहले ही छोड़ चुकी थी और उसने अपने बेटे की कस्टडी लेने की कोशिश तक नहीं की, जबकि बहुत आसानी से उसे अपने बेटे की कस्टडी मिल सकती थी। आसानी से तो अंकिता को भी कोई भी लड़का मिल सकता था, फिर क्यों वो एक शादीशुदा आदमी से एक 8 साल के बच्चे के बाप से शादी करने के लिए तैयार हुई? ये शादी का फैसला अंकिता ने खुद लिया था या फिर उस पर थोपा गया? सर, दोनों मोबाइल फोन्स में सिम कार्ड तो थे लेकिन उल्टे इंसर्ट किए गए थे ताकि फोन किसी भी काम के ना रहे, ना तो विक्टिम किसी को कॉल कर सके और ना ही कोई विक्टिम को। दोनों को मार देने के बाद ऐसा करने का कोई मतलब तो नहीं बनता, भला कोई क्यों विक्टिम को मार देने के बाद सिम कार्ड ऐसे छोड़ के जाएगा? सर, हो सकता है मारने से पहले किसी ने सिम कार्ड इस तरह से उल्टे डाल दिए। हो सकता है। देखो, रोहन की लाश मिलती है हमें आउटर इलाहाबाद से, पवन भारद्वाज और उसकी मां नंदिता भारद्वाज की लाशें मिलती हैं लखनऊ हाईवे से, तो फिर ये कार बनारस कैसे पहुंची? अगर हम मान लें निखिल जो कह रहा है वो सही कह रहा है कि उसने 16 अप्रैल की सुबह 9 बजे दोबारा फोन किया विक्टिम को, इसका मतलब ये हुआ कि विक्टिम के घर से निकलने के 2 घंटे के अंदर ही कातिल ने विक्टिम के फोन हासिल कर लिए थे। सर, उस दिन घर से 3 लोग निकले और तीनों के मर्डर हो चुके। आई थिंक जब ये लोग घर से निकले तो इनके साथ कोई और भी था, वो चौथा शख्स, और इस चौथे शख्स ने ही इस त्रिकोण को बनाया या फिर इस प्लान का अहम हिस्सा। पुलिस ये अनुमान लगा रही थी कि कोई चौथा शख्स था जो उस दिन भारद्वाज परिवार के साथ था। हर संभावना को टटोला जा रहा था, लेकिन किसी को यह अंदाजा नहीं था कि हत्याओं का सिलसिला अभी थमा नहीं था। चौथा मर्डर प्लान बहुत जल्द एग्जीक्यूट होने वाला था। वो भाग गया। लेकिन वो था कौन? पता नहीं, हमने उसका चेहरा नहीं देखा। वो घर के अंदर आया कैसे निखिल? आपने कुंडी लगाना भूल गए थे क्या? हमें याद है, हमने दोनों कुंडियां लगाई थी।
सर उसने हुड वाला काले रंग का टी शर्ट पहना था और मुंह पर रुमाल था, इसलिए हम उसका चेहरा नहीं देख पाए। सर दरवाजे पे फोर्स एंट्री का कोई भी निशान नहीं है। सर हमें ठीक से याद है, हमने ठीक से दरवाजा चेक किया था और दोनों कुंडियां भी लगाई थी। निखिल जैसा कि आपने हमें बताया, आप यहां अंदर के कमरे में सो रहे थे राइट? जी। तो फिर हमला होने से पहले ही आपको कैसे पता चल गया कि आप पर हमला होने वाला है? सर पता नहीं कैसे हमारी आंख खुल गई, हम करवट बदल रहे थे कि हमने देखा कोई चाकू लेकर हमारी तरफ बढ़ रहा है। लेकिन उसका वार चूक गया, फिर वो हमें धक्का देके भाग गया। हमने उसका पीछा भी किया लेकिन वो बच के निकल गया। आपने उस आदमी का चेहरा देखा था क्या? नहीं सर, हम तो सो रहे थे, ग्लास टूटने की आवाज से हम उठे और हमने देखा कि उस आदमी के हाथ में चाकू था और वो निखिल के साथ हाथापाई कर रहा था और हम इतना घबरा गए थे कि हमारे हाथ पैर सुन्न हो गए थे। समझ में ही नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। सर कोई हमें और हमारी पत्नी को मारने की कोशिश कर रहा है। निखिल कुछ ही दिन पहले आपकी फैमिली के 3 लोगों का मर्डर हुआ है, आपके परिवार की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी क्या? सर अगर कोई दुश्मनी होती हम आपको पहले ही बता देते। हम CRPF में ऑफिसर हैं, 11 महीने ड्यूटी पर रहते हैं, घर से मीलों दूर। आपके भाई की किसी के साथ कोई दुश्मनी फलों के बागान को लेकर या प्रॉपर्टी को लेकर? भैया ने तो कभी इस बारे में कुछ नहीं बताया। सर हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, कौन कर सकता है ये हमला? सर अब तक हम निखिल को सस्पेक्ट मान रहे थे लेकिन कल रात उसी पर ही हमला हुआ। ऐसा लग रहा है कि पूरे भारद्वाज खानदान को खत्म करना चाहते हैं। कुंदन ये हमला नाकामयाब रहा या फिर प्लान ही था एक नाकामयाब हमले का? सर आपको लग रहा है कि निखिल और उसकी बीवी हमसे झूठ बोल रहे हैं? लग तो ऐसा ही रहा है कि हमला दिखावे के लिए किया गया ना कि मारने के लिए। निखिल अच्छी तरह से जानता है कि वो भी हमारा एक सस्पेक्ट है, अगर हमने उसको विक्टिम मान लिया तो हमारे शक के रडार से बाहर निकल जाएगा और हम किसी और ही दिशा में इन्वेस्टिगेट करने लगेंगे। राइट सर। कुंदन अब तो यकीन होने लगा है कि इस कांड में कोई चौथा शख्स भी शामिल है और उसी ने ये तीनों खून किया है। अल तुम्हें क्या लगता है, पुलिस को हमारी बात पर यकीन हुआ होगा? हमने अपना बच्चा खोया है साहब, जिसे हमने जन्म दिया था। आपने अपने बेटे को तो 4 साल पहले ही खो दिया था जब आपने अपने पति पवन का घर छोड़ा था। सब यही सोचते हैं कि हमें अपने बच्चे की परवाह नहीं थी, सौंती थे हम, बहुत बुरे मां हैं। लेकिन हमारे लिए भी आसान नहीं था ये फैसला लेना। ऐसी भी क्या वजह थी रजनी जी जो आपने अपने बेटे को अपने साथ ले जाना मुनासिब नहीं समझा? हम अपने बच्चे को बेहतर परवरिश देना चाहते थे साहब, चाहते थे कि उसे कभी किसी चीज की कमी ना हो, जो हम अकेले कभी नहीं कर पाते। हम एक मिडिल क्लास परिवार से हैं साहब, ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं, पवन के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, बड़ी मुश्किल से हिम्मत जुटा पाई थी पवन से अलग होने के लिए। भरोसा नहीं था खुद पर साहब कि अपने बच्चे की सारी जरूरतें जिंदगी भर पूरा कर पाएंगे या नहीं। फिर ये फैसला लिया कि रोहन के भविष्य के लिए यही अच्छा होगा कि वो अपने पिता के साथ रहे। लेकिन अब पछतावा हो रहा है साहब, अब पछतावा हो रहा है कि काश हमने फैसला ना लिया होता तो हमारा बच्चा हमारे पास होता, हमारे साथ होता। लक्ष्मी जी अगर बात सिर्फ पैसों की थी वो तो आप तलाक के बाद भी ले सकती थी, कानूनन हक था आपका, अलीमनी मांग सकती थी आप। हमको पैसे नहीं चाहिए थे साहब, छुटकारा चाहिए था पवन से, उस घर से, उस घर में नहीं रहना चाहते थे। ऐसा भी क्या हुआ था कि आप अपने पति के घर अपने ससुराल में नहीं रहना चाहती थी? शादी से पहले ही जानती थी ना तुम कि पवन को पीने का शौक है? जी बताया था आप लोगों ने कि उन्हें पीने का शौक है, लेकिन ये नहीं बताया था कि उन्हें पीने की आदत है। और हाँ, अपने बेटे की और एक खासियत बताना भूल गई थी आप, कि उन्हें अपनी जिम्मेदारियों का बिल्कुल भी एहसास नहीं। तुम इससे बात करो रजनी, हम सुन रहे हैं,
इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमें कुछ भी सुनाती चली जाओगी। मानते हैं हम कि हमारे बेटे में कुछ कमियां हैं, पर तुम तो उसकी पत्नी हो ना, सुधारो उसे। पति अगर बहक जाए तो पत्नी की जिम्मेदारी बनती है कि उसे सुधारे। आपने अपनी जिम्मेदारी निभाई थी माँ जी, माँ होने की जिम्मेदारी। रोका था उन्हें जब वो शराब की आदी हो। बस बस रजनी, शादी के बाद सोचते थे कि बक के साथ पवन समझ जाएंगे, लेकिन वो नहीं समझे। रोहन के आने के बाद लगा कि पाप बनने के बाद अपनी जिम्मेदारी समझेंगे, लेकिन उनमें कोई फर्क नहीं पड़ा। धीरे धीरे हम ये बात समझ गए सर कि आदमी नहीं सुधर सकता। 4 साल तक खाली रोहन की वजह से बर्दाश्त करते रहे सर। अगर वहां रहते तो पागल हो जाते, पता नहीं क्या कर बैठते। इतनी घुटन, इतना गुस्सा। घुटन, गुस्सा, पता नहीं क्या कर बैठते। रजनी जी, जब आपने अपने एक्स हस्बैंड की दूसरी शादी की खबर सुनी होगी तो गुस्सा तो आया होगा आपको, नहीं? इसी गुस्से में आपने अपने एक्स हस्बैंड पवन और उसकी मां का कत्ल करवा दिया, यहां तक कि अपने बेटे को भी नहीं पहुंचा, और तो और पवन के छोटे भाई निखिल और उसकी पत्नी पर भी हमला करवाया। क्या आपको वाकई में लगता है सर कि हम ऐसा कर सकते, अपने बेटे को मार सकते? रजनी जी, सवाल का जवाब सवाल नहीं होता, और सवाल हमने पूछा है। सर, हमारा जवाब नहीं है। एक और सवाल पूछेंगे आपसे रजनी जी, और आई एम श्योर इसका जवाब आप ना नहीं कह पाएंगे। रजनी जी, 26 अप्रैल यानी कल रात 12:45 निखिल पर हमला होने के तुरंत बाद आपको एक कॉल आया था। हेलो, ये नंबर फेक आईडी देकर लिया गया, कुछ ही दिनों पहले एक्टिव हुआ है। इसे सिर्फ एक ही कॉल किया गया है, वो भी सिर्फ आपको। यही वो आदमी है ना रजनी जी, जो 16 अप्रैल को आपके एक्स हस्बैंड और उनकी माँ और आपके बेटे के साथ था, और इसी ने उन तीनों का कत्ल किया। हमको नहीं मालूम वो कौन था। हम मानते हैं कि हमको फोन आया था, लेकिन वो कौन था हम नहीं जानते। हेलो रजनी, काम हो नहीं पाया, दोनों बच गए, कुछ और सोचना होगा। क्या बोल रहे हो तुम, कौन हो? आपको फोन आया, उसने कहा काम नहीं हो पाया है, दोनों बच गए, और आपने फोन काट दिया। ये बात आपने हमसे पहले क्यों नहीं बताई? आपने निखिल और उसकी पत्नी पर हमला करवाने के लिए किसे भेजा था रजनी जी? सर, हम नहीं जानते वो आदमी कौन था। हमको जानबूझकर फंसाया जा रहा है। अगर हम चाहते तो आप लोगों से झूठ भी बोल सकते थे, लेकिन हमने सही सही बता दिया। हम जानते थे कि पवन दोबारा शादी करने जा रहे हैं, लेकिन ना तो हमको इस बात का दुख था, ना ही गुस्सा। क्या रजनी सच कह रही थी? क्या वाकई कोई उसे फंसाने की कोशिश कर रहा था, या फिर ये रजनी की कोशिश थी अपने आप को बचाने की? आखिर निखिल और पायल पर हुए हमले का सच क्या था? कौन खेल रहा था ये मौत का खेल, और कौन था वो चौथा आदमी जो उस दिन पवन की फैमिली के साथ था? अपने बंदों को काम पर लगाओ, निखिल और रजनी दोनों की हर मूवमेंट पर नजर रखो, कहीं कोई सुपारी निकली हो, कोई कीमत अदा हुई हो, बात कहीं ना कहीं जरूर निकलेगी, किसी ना किसी कान में जरूर पड़ेगी। सर, अंकिता से बात करते हैं, बुलाओ। हमने सुना था पवन जी अच्छे इंसान थे, फैमिली भी अच्छी थी उनकी, वेल सेटल थे, कोई वजह ही नहीं थी इनकार करने की, और हमारे माँ बाबा भी इस रिश्ते से खुश थे। तुम अपनी मर्जी से राजी हुई थी शादी के लिए? जी सर। हाँ, शुरुआत में कुछ डाउट्स थे हमको, थोड़ी झिझक भी थी, ये दूसरी शादी थी पवन जी की, रोहन हमको माँ मानेगा या नहीं, ये सारे डर थे हमारे अंदर। लेकिन फिर हमारी रोहन से बात हुई और सब ठीक हो गया। पवन और रोहन से तुम्हारी सिर्फ फोन पर बात हुई, कभी मिली नहीं थी उनसे? नहीं सर, सिर्फ रोहन और पवन जी की एक फोटो देखी थी। तुम खुश थी इस शादी से? सर, आप ये सवाल हमको पहले भी कर चुके हैं, और हमने तब भी हाँ कहा था, और शादी की बात चल रही थी, शादी हुई नहीं थी हमारी। पवन को पीने की आदत थी, ये बात पहले से पता थी तुम्हें? जी, पवन जी ने खुद हमसे कहा था। फिर तो पवन ने यह भी बताया होगा कि पवन की पहली पत्नी ने उसके इस पीने की आदत से तंग आकर उसे छोड़ दिया था। इतना जानते थे सर कि पवन जी की शराब वजह थी तलाक की, पर यह भी सुना था कि रजनी की पवन जी की माँ से भी नहीं बनती थी। रजनी से मिली थी कभी? सिर्फ एक बार, जब उन तीनों का दाह संस्कार किया गया था। तुमने अभी कहा कि जब तुम्हें शादी का प्रस्ताव आया था तुम्हें कुछ डाउट्स थे। जी। अगर पवन को बेटा नहीं होता तो इस शादी का फैसला लेना थोड़ा आसान होता ना? सर, ये एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है,
इसका क्या जवाब दें हम आपको? सिर्फ इतना कह सकते हैं कि आप बेकार में हम पर शक कर रहे हैं। आपको लगता है कि हमने पैसे और प्रॉपर्टी के लिए इस रिश्ते को हाँ कहा था। ऐसा नहीं था क्या? नहीं सर, हमने बहुत प्रैक्टिकली सोच समझ कर हाँ कहा था। सर, रोहन को अपनाने का फैसला हमने दिल से लिया था। एक बड़े घर में शादी करने के लिए एक बच्चे को मार डालने की बात हम सोच भी नहीं सकते। और आप जरा ये तो सोचिए कि अगर हमने सच में रोहन को मारा होता तो हमारे होने वाले पति और सास को क्यों मारते? पायलम, अगले हफ्ते आसाम के लिए वापस निकलेंगे। हमें ड्यूटी भी वापस ज्वाइन करनी है और इस घर में मन भी नहीं लगता। आपकी पुलिस से कुछ बात हुई? क्या बात करें, हमें नहीं लगता वो इस केस को कभी सॉल्व कर पाएंगे क्योंकि उन्हें सिर्फ एक इंसान पे शक, और वो हम। सर, दिन रात अलग अलग टीम्स नजर रख रही हैं तीनों पर, एक एक हरकत ट्रैक के जा रही है, लेकिन अभी तक इन तीनों ने किसी चौथे शख्स को कांटेक्ट नहीं किया और ना ही उस चौथे शख्स ने इन तीनों में से किसी। चौथे आदमी के होने की संभावना सिर्फ एक अनुमान था, एक थ्योरी, क्योंकि 8 साल के रोहन भारद्वाज की गला दबाकर हत्या की गई थी। पवन और उसकी मां पर क्लोज रेंज से फायर किया गया था। जो 3 लोग साथ में सफर पर निकले थे वो मारे जा चुके थे, लेकिन सफर में इस्तेमाल हुई गाड़ी कहीं दूर वीराने में पड़ी मिली थी। जाहिर सी बात है कि गाड़ी को हादसे की जगह से दूर ले जाने वाला कोई चौथा शख्स था। इस संभावना को सच साबित करने के लिए सबूत की जरूरत थी और अचानक पुलिस के हाथों वो सबूत लगा। एक ट्रांजैक्शन हुआ था पवन भारद्वाज के अकाउंट से। किस तारीख को हुआ था ये ट्रांजैक्शन? 16 अप्रैल 2015 को एटीएम से पैसे विड्रॉ किए गए थे। कौन से एटीएम से? ओरेया ब्रांच के एटीएम से। सर, मैंने पवन और निखिल के बैंक अकाउंट चेक करने के लिए कहा था और पवन के बैंक ट्रांजैक्शन से एक बात सामने आई है। क्या? सर, 16 तारीख जिस दिन ये तीनों आगरा से निकले थे उस दिन ओरेया के एक एटीएम से पवन ने पैसे निकाले थे दोपहर 3:05 पर। उस एटीएम के सीसीटीवी का फुटेज मंगवाओ। पवन खुद आया था पैसे विड्रो। मेरा अंदाजा बिल्कुल सही था, ये कोई चौथा आदमी भी था। ये रहा वो चौथा आदमी, शक्ल ठीक से नहीं दिख रही। सर, एक कैमरा सीसीटीवी एंट्री गेट के ऊपर भी लगा हुआ है। ये रहा वो चौथा आदमी हमारे सामने है। कुंदन, ये आदमी मुझे चाहिए और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। इस केस का राज यही आदमी खोल सकता है। सर, गोविंद खबरी को काम सौंपा है, जल्दी न्यूज मिल जाएगी। हाँ साहब, हमने बोला था ना एक दिन में पूरी खबर निकाल लेंगे, 12 घंटे हुए मैंने पूरी खबर निकाल ली है। अब फटाफट नाम बता। जतिन भंडारी नाम है साहब, आप ही के शहर आगरा का ही रहने वाला है। छोटा मोटा काम मिले तो कर लेता है, ऐसे ज्यादातर वो ड्राइवरी का काम करता है। रहता कहाँ है जतिन? सब बता दूंगा साहब, लेकिन कोई फायदा ही नहीं है, मिलेगा ही नहीं वो आपको घर पे। जी? जतिन का? वो तो बाहर गया हुआ है, काफी दिन हो गए साहब। कहाँ गया? कुछ बता के नहीं गया साहब, ना कहा कि कोई काम मिला है इसलिए बाहर जा रहा हूँ। उसका मोबाइल नंबर दो। सर, जतिन का फोन अभी भी स्विच ऑफ जा रहा है, उसकी माँ को भी नहीं पता कि वो कहाँ है। हमारे तीनों सस्पेक्ट्स निखिल, रजनी और अंकिता, इन तीनों ने भी यही कहा होगा कि वो इस जतिन को नहीं जानते। नहीं सर, इनफैक्ट जतिन का फोटो देखते के साथ ही निखिल उसे तुरंत पहचान गया था। सर, ये तो जतिन भंडारी है, ये उस दिन भैया के साथ था। हाँ, सीसीटीवी फुटेज में साफ नजर आ रहा है, गाड़ी वही चला रहा था। नहीं सर, ये नहीं हो सकता। निकलने से कुछ देर पहले मेरी भैया से बात हुई थी, वो गाड़ी खुद चलाने वाले थे। जतिन की फोटो देखते के साथ ही निखिल काफी हिल गया था, कह रहा था कि जतिन उसके भाई के साथ हो ही नहीं सकता। सर, बात बिल्कुल साफ है, भैया कभी इस आदमी के साथ नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे, कुछ किया था जतिन ने? सर, दरअसल जतिन और भैया की काफी बनती थी, वो अक्सर घर भी आया करता था,
उम्र में भैया से छोटा था, लेकिन भैया हमेशा उसके साथ ही शराब पिया करते थे। अम्मा को लगता था कि जतिन की वजह से भैया और बिगड़ रहे हैं, इसलिए भैया के तलाक के बाद हमें थोड़ी सख्ती बरती और जतिन से कह दिया कि भैया से ना मिला करें। हमें नहीं लगता अम्मा कभी जतिन को साथ ले जाने के लिए राजी होती। और निकलने से पहले हमारी भैया से बात भी हुई थी। आप निकले नहीं अभी तक? एक मिनट के अंदर आजमगढ़ के लिए मार्च शुरू होगी। भैया ने कुछ नहीं कहा था? शायद वो कह ना पाए हो। साफ दिख रहा है कि जतिन 16 अप्रैल को आपकी फैमिली के साथ था। जतिन इस वक्त हमारे केस की सबसे अहम कड़ी है। इस ट्रिपल मर्डर केस में चौथे इंसान के इन्वॉल्वमेंट की थ्योरी सच साबित हुई और अब पुलिस उस चौथे शख्स यानी कि जतिन भंडारी को ढूंढने में लग गई। लेकिन अतीत में दफन कई राज अब भी सामने आने बाकी थे। आवाक और अचंभित करने वाली सच्चाई सामने आए उससे पहले एक हल्का सा झटका पुलिस को तब लगा जब जतिन भंडारी अपने आप पुलिस के सामने पेश हुआ। साहब, हमारा नाम जतिन भंडारी है। साहब, हम घर पहुंचे तो माँ ने बताया आप हमसे मिलना चाहते हैं। ये बात सच है कि 16 तारीख को जब पवन भैया, नंदिता चाची और रोहन आजमगढ़ के लिए निकले थे तब हम उनके साथ थे साहब, यहाँ तक कि गाड़ी भी हम ही चला रहे थे। ये बताओ, उन तीनों को मारा किसने और तू इतने दिन छिपा हुआ कहाँ था? हम छुपे हुए नहीं थे साहब, हमें तो इन तीनों की मौत की खबर भी नहीं थी। हमें तो ये बात कल शाम को मालूम पड़ी जब हमारी अपनी माँ से बात हुई। साहब, 2 सप्ताह के लिए महू गए थे, वहाँ पर काम मिला था तो अपनी सिम बंद करके वहां की सिम ले ली थी साहब। चल मान लेते हैं तू जो कह रहा सही कह रहा है। तो ये बता, तू उनके साथ था कहां तक? आजमगढ़ तक साहब, वहीं तो जा रहे थे वो लोग लड़की देखने के लिए। साहब जैसे हम आजमगढ़ पहुंचे ना, हम गाड़ी से निकल गए, पवन भैया गाड़ी लेके आगे निकल गए, हमने बस पकड़ी और पहुंच गए मऊ। इतना पिटेगा, इतना कुटेंगे तुझे कि तू सीधा पहुंचेगा ICU। सच बोल, सच। अब हम सच बोल रहे हैं साहब, हम सच बोल रहे हैं। सच बोल रहा है तू? पवन की गाड़ी मिलती है बनारस से, रोहन की लाश मिलती है इलाहाबाद से, पवन और उसकी मां नंदिता की लाशें मिलती हैं लखनऊ से और उनके फोन स्विच ऑफ होते हैं इटावा में, और तू कह रहा है कि तू उन्हें आजमगढ़ छोड़कर निकल गया। साहब, हमने उन्हें आजमगढ़ ही छोड़ा था, हमें टाइम भी याद है, लगभग शाम के 7:30 बजे थे साहब। तेरी ये बात भी सही मानी। अब ये बता, तू उनके साथ क्यों गया था? एक रात पहले 15 अप्रैल को हम पवन भैया के साथ बैठ के शराब पी रहे थे। चाची जी, वो पवन भैया ने आज थोड़ी ज्यादा पी ली है। क्यों उसे इतनी पीने दी? तुम्हें पता है ना कल हमें आजमगढ़ जाना है और गाड़ी भी तो इसे ही ड्राइव करनी है। सर, आगरा से आजमगढ़ का रास्ता लगभग 10-12 घंटे का है। पवन भैया ने वैसे ही रात को बहुत ज्यादा पी ली थी तो हमें लगा सुबह सुबह उनके लिए ड्राइव करना सेफ नहीं होगा और हमें भी मऊ जाना था, तो इसीलिए अगले दिन सुबह सुबह हम खुद पहुंच गए ड्राइव करने के लिए। साहब, अम्मा और रोहन गाड़ी में बैठ चुके हैं, बस एक मिनट के अंदर आजमगढ़ के लिए मार्च शुरू होगी। तुम चला पाओगे गाड़ी? लाओ भैया, हम चला लें। नमस्ते चाची। अरे जतिन, तुम यहाँ? अरे भैया, मैं मालूम था आपकी कल की उतरी नहीं होगी इसीलिए हम खुद आ गए। देखो भैया, ऐसा हमें जाना है मऊ, तो आप है ना आजमगढ़ तक अगर आप कहो तो हम ड्राइव कर लेते हैं, तब तक आप आराम कर लो, क्या बोलते हो? और चाची, कल जो हुआ ना उसके लिए सॉरी, हमें पवन भैया को इतना पीने नहीं देना चाहिए था और हमें मालूम था आपको आजमगढ़ पहुंचना बहुत जरूरी है आज, इसीलिए हम खुद आ गए। जतिन ने, तूने बड़ा अच्छा किया, हम तो खुद ही सोच रहे थे इतनी दूर तक गाड़ी कैसे चलाएंगे, हमारा सर अभी तक भारी है, है ना? ये अच्छा, गाड़ी तू चला। और हम निकल गए आजमगढ़ के लिए। बीच में होल्ड कहाँ लिया था? साहब, लगभग सुबह के 9 बजे एक ढाबे पे रुके थे हाईवे पे नाश्ता करने के लिए, 2 बजे के करीब दोपहर का खाना खाया और हाँ 3 बजे एक ATM पे रुके थे, पवन भैया कुछ पैसे निकालने थे, उसके बाद हमने सीधी गाड़ी चलाई। तब तक पवन भैया की हालत थोड़ी ठीक ठाक हो गई थी, जैसे ही आजमगढ़ पहुंचे पवन भैया ने गाड़ी संभाल ली और हम निकल गए मऊ के लिए।
साहब पूरे रास्ते तीनों बहुत खुश थे साहब, हमें तो खुद समझ में नहीं आ रहा ये कैसे हुआ। साहब कुछ मालूम पड़ा कातिल कौन है साहब? जी साहब। सुन जी, हमसे बिना पूछे शहर छोड़ के कहीं मत जाना। जी साहब। कुंदन सर, इस जतिन भंडारी की कुंडली निकालो। आई एम श्योर इन तीनों मर्डर में ये इन्वॉल्व है, निखिल, रजनी, अंकिता, इन तीनों में से किसी ना किसी एक के साथ इसका कनेक्शन जरूर होगा। जतिन पर कड़ी निगरानी रखी गई। अगले दिन जतिन के कॉल रिकॉर्ड्स पुलिस के हाथ में थे। फोन रिकॉर्ड स्कैन करने के बाद जो कहानी सामने आई वो पुलिस के सारे अनुमानों से बिल्कुल विपरीत थी और उतनी ही ज्यादा चौंकाने वाली भी। कुंदन, बुलाओ इस निखिल भारद्वाज को। बहुत घुमा लिया इसने, अब खुल के बात करने का वक्त आ गया है। निखिल, जिस तरह से तीनों मर्डर हुए बात बिल्कुल साफ है कि प्लानिंग बहुत पहले से की जा रही थी। ऐसा नहीं है कि अचानक 15 अप्रैल को जतिन तुम्हारे भाई से मिला, खूब दारू पिलाई और उसके अगले दिन 16 अप्रैल को गाड़ी चलाने की ऑफर किया। ये सारी चीजें एक प्लान का हिस्सा थी जिसे जतिन ने किसी और के साथ मिलकर रचा था। साहब साहब, हमने तो सामने से आगे खुद सब कुछ सच सच बताया था आपको साहब, फिर क्यों पकड़ के ले जा रहे हो साहब? डालो से साहब। हमें जानकर बड़ी हैरानी हुई कि पवन भैया ने फिर से जतिन के साथ मेलजोल बढ़ाया। उस दिन जतिन भैया के साथ था, ये बात भैया ने हमसे छुपाई? छुपाने को तो तुमने भी हमसे बहुत कुछ छुपाया निखिल, जो तुम अब भी बताने में हिचकिचा रहे हो। सर कैसे बताएं, हमें तो यकीन ही नहीं होता। फाइल फाइल, क्या तुम्हारा जतिन के साथ अभी भी कुछ? निखिल, जतिन कई महीनों से तुम्हारी पत्नी पायल के साथ टच में है। 16 अप्रैल को जिस दिन तुम्हारा भाई आजमगढ़ के लिए निकला उस दिन भी जतिन की तुम्हारी पत्नी पायल के साथ कई बार बातें हुई थी। सर शादी के बाद हमारी पोस्टिंग गुवाहाटी में हो गई थी, लेकिन पायल ही आगरा में रहती थी भैया और अम्मा के साथ। इनकी पवन भैया से अच्छी पहचान थी, वो अक्सर घर भी आता था, कभी कभी तो जब भैया नहीं होते थे तब भी आता था। जतिन और पायल के अफेयर के बारे में सबसे पहले अम्मा को पता चला। प्रणाम चाची जी, कैसे हैं आप? हम अच्छे हैं। पवन तो बाहर गया है। जी हम जानते हैं, हमें तो वो पायल भाभी ने फोन किया था, उन्हें कुछ काम था ना इसीलिए आए थे हम। अरे जतिन कैसे हो, आओ बैठो। हाँ हम अपनी दवाई लेना भूल गए हैं, लेकर आते हैं। ठीक है। हम जब छुट्टी पर घर आए तब माँ ने हमें सब बताया, फिर भैया ने भी कहा कि उन्होंने भी बातें सुनी हैं पायल और जतिन के साथ में घूमने की। जतिन अक्सर पायल के साथ बेडरूम में होता था। नहीं ऐसा नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। जतिन को हम सिर्फ एक अच्छा दोस्त मानते हैं, कभी कुछ काम होता है तो बुला लेते हैं। अच्छा, ऐसा भी क्या काम है जो बेडरूम का दरवाजा बंद करके होता है? नहीं ऐसा कुछ नहीं। झूठ मत बोलो, हम तुमसे साफ साफ बात कर रहे हैं, तुम्हें जो भी फैसला लेना है हमें बता दो।
अगर तुम जतिन के साथ रहना चाहती हो तो हम तुम्हें तलाक दे देंगे। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, हम ऐसा कभी सोच भी नहीं सकते। देखिए हमें सिर्फ आपके साथ रहना है। पायल, अगर तुम्हें हमारे साथ रहना है तो जतिन को भूलना होगा, और अब तुम यहां नहीं रहोगी, हमारे साथ आसाम चलोगे, समझी? निखिल हमें जतिन से दूर ले गए, लेकिन हम जतिन को कभी भूल नहीं पाए। निखिल को सब कुछ पता चल गया, उसके बाद भी तुम जतिन के साथ टच में थी। तुम्हारे फोन रिकॉर्ड्स बताते हैं कि 15 अप्रैल को तुम्हारी जतिन के साथ बात हुई थी, जिस दिन जतिन, पवन, तुम्हारी सास नंदिता और रोहन घर से निकले थे, ठीक उससे एक दिन पहले। पायल, इससे अच्छा मौका हमें नहीं मिलेगा। कैसा मौका? कौन सा मौका? मौका हमारे एक होने का, मौका पवन, उसकी माँ और उसके बेटे को रास्ते से साफ करने का। उसे क्या मिलेगा? सब कुछ, उनका घर, उनकी प्रॉपर्टी, सब तुम्हारे ही पास आएगी ना, कोई बचेगा ही नहीं। ये सब कुछ इतना आसान नहीं होगा जतिन। तुम हमसे प्यार करती हो ना? हद से ज्यादा। लेकिन जिंदगी साथ गुजारने के लिए प्यार से ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ती है। पता है, उसी का इंतजाम कर रहे हैं, इसलिए डरो मत, सब कुछ हम पर छोड़ दो। अब काम पूरा होने के बाद ही तुम्हें फोन करेंगे। पायल को पवन, उसकी माँ और उसके बेटे की हर मूवमेंट की जानकारी थी, ताकि जतिन को उनके साथ गाड़ी में जाने का मौका मिले। निखिल पायल को ले गया। उनके जाने के बाद हमने फिर से पवन भैया से दोस्ती करी, शर्मिंदा होने का नाटक करा, माफी मांगी। शराब पीने के लिए पवन भैया को एक साथी की जरूरत हमेशा होती थी, आखिर उन्होंने हमें माफ कर दिया। धीरे धीरे उनके घर आना जाना चालू हुआ और हमने माजी का भी भरोसा जीत लिया। सिर्फ तुम जानती थी कि उस दिन जतिन क्या करने वाला था। जतिन तीनों को मार चुका है, ये बात भी सबसे पहले तुम्हें पता चली, क्योंकि जतिन ने तुम्हें फोन पर बताया था। यार, ये गलत रास्ते पे तो नहीं आ गए हम लोग? कहाँ पहुँच गए? पहुँचे नहीं भैया जी, पहुँचने वाले हैं। आपके होने वाले ससुराल यहाँ से 1 घंटे का रास्ता है, थोड़ा हल्का होने के लिए रोके, आप भी हल्के हो लो। चाची जी, क्या हुआ? पवन कहाँ है? हम और पवन भैया पेशाब करने नीचे गए थे, अचानक उन्हें चक्कर आ गया और वो गिर गए। आप चलिए, उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ेगा। कहाँ है पवन? अचानक कैसे गिर गया? जी वो बस इसी तरफ है। पवन और उसकी माँ को मारने के बाद जतिन ने रोहन को कार के अंदर ही मार डाला और अलाहाबाद के पास उसकी बॉडी। तीनों को मार डालने के बाद जतिन गाड़ी लेकर बनारस पहुंचा, ताकि पुलिस को गुमराह कर सके। पवन और उसकी मां के मोबाइल्स में उल्टे सिम कार्ड तूने ही डाले थे ना? अरे पवन भैया, थोड़ा अपना फोन दीजिए ना, हमारे फोन की बैटरी चली गई है। ये लो, हम आज फोन करो।
मगर दो पान और लगा दो। हाँ माँ, शाम को 7:30 बजे तक आजमगढ़ पहुंच जाएंगे हम। पायल ने बताया था हमें, निखिल अपने भाई की बहुत फिक्र करता था, हर रोज बात करता था। चाची जी, वो एक मिनट के लिए फोन देंगी, हमारे फोन की बैटरी चली गई थी और माँ से बात करनी थी। हम नहीं चाहते थे कि निखिल या किसी और को ये पता चले कि हम पवन के साथ हैं, इसीलिए हमने जैसे ही पहला हॉल्ट लिया, हमने दोनों के मोबाइल्स के सिम कार्ड रिवर्स में डाल दिए ताकि उनका किसी से कॉन्टैक्ट ना हो पाए और उन्हें उनके मोबाइल वापस कर दिए। हमने बहुत समझाया जतिन को, बहुत रोका। हमने उसे कहा कि अगर वो हमारे साथ घर बसाना चाहता है तो उसे मेहनत से पैसे कमाने होंगे, तभी हम एक हो सकते हैं। लेकिन उसने हमारी एक बात नहीं मानी। हम भी तुम्हारी बात नहीं मानते, क्योंकि इस जुर्म में तुम शामिल तो हो पायल, वो भी पूरी तरह से। जतिन क्या करने वाला था, कब करने वाला था, कैसे करने वाला था, ये बात तुम अच्छी तरह से जानते थे, फिर भी चुप रही। उस रात निखिल पर जो हमला हुआ था वो सच में हुआ था ना पायल? क्या मिलेगा? सब कुछ, उनका घर, उनकी प्रॉपर्टी, सब तुम्हारे ही पास आएगी ना, कोई बचेगा ही नहीं। कैसे कोई नहीं रहेगा, निखिल है ना, सब कुछ उसे मिलेगा, हमें नहीं। पहले इन तीनों से निपटते हैं, फिर उस निखिल को भी शहीद कर देंगे। हम सोचे थे निखिल को मार देंगे और पायल को थोड़ा जख्मी कर देंगे ताकि उसके ऊपर कोई शक ना करे। और सारा शक रजनी के ऊपर जाए, इसलिए तूने उसे वो फोन किया था। हेलो रजनी, काम हो नहीं पाया, दोनों बच गए। ये आइडिया पायल का था। पायल ने निखिल के दिमाग में ये बात डालने की कोशिश करी थी कि ये सारा कराधरा रजनी का है। शायद रजनी को ये बात जरूर छुपी होगी कि भैया दोबारा शादी करने वाले हैं। बड़ी चालाकी से खेला पायल, अपने आशिक के हाथों अपनी ही फैमिली के 3-3 लोगों का कत्ल करवा दिया, अपने पति को भी रास्ते से हटाने की कोशिश की, और पूरी कोशिश की ये सारे इल्जाम पवन की एक्स वाइफ रजनी पर लगाने की। लेकिन अफसोस, तुम्हारी ये सारी कोशिशें नाकामयाब रहीं। निखिल पर हमला करने वाला वो अज्ञात शख्स जतिन ही था। पायल अच्छी तरह से वाकिफ थी कि कब हमला होने वाला था। रोहन की मां और पवन की एक्स वाइफ रजनी अपने मासूम बेटे की मौत से दुखी है। उसे आज इस बात का अफसोस है कि वो अपने बेटे को अपने साथ नहीं ले गई। अंकिता अपनी नई जिंदगी में कदम रखने ही वाली थी कि एक तूफान ने आकर सब कुछ बिखेर दिया। अब अंकिता फिर से एक आम जिंदगी जीने की कोशिश में लगी है। जतिन और पायल ने अपने अरमान पूरे करने के लिए 3 जिंदगियां खत्म कर दी और एक और इंसान को मारना चाहा। वो दोनों इस वक्त पुलिस की हिरासत में हैं। पायल ने यह दलील दी थी कि वो जतिन के इस मर्डर प्लान से कभी सहमत नहीं थी और ना ही वो इस षड्यंत्र में शामिल थी, लेकिन अपने आप को बचाने की उसकी एक कोशिश नाकामयाब रही। पायल और जतिन के कॉल रिकॉर्ड से यह बात साफ हो चुकी थी कि पायल इस साजिश से पूरी तरह से वाकिफ थी। मर्डर कब होने वाला था, कब हुआ, ये सारी जानकारी उसे दी गई थी। पायल इस अपराध में उतनी ही भागीदार थी जितना कि जतिन। क्राइम ऑफ पैशन, मोहब्बत का अंधा जुनून जब अपराध की शक्ल इख्तियार कर लेता है तब कई जिंदगियां बर्बाद होती हैं। हम अक्सर ऐसे केसेस के बारे में सुनते हैं, पढ़ते हैं, जिनमें अपराध की जड़ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से जुड़ी हुई होती है, और अक्सर ऐसे केसेस में वो लोग कानून की गिरफ्त में आते हैं जो अपराध के माध्यम से अपनी अधूरी प्रेम कहानी की हैप्पी एंडिंग लिखने की बेवकूफी करते हैं, और अक्सर ये स्टुपिड प्रेम कहानियां क्राइम स्टोरीज बनकर रह जाती हैं। हम आपको बता दें कि कल यानी रविवार को क्राइम पेट्रोल सतर्क का एपिसोड टेलीकास्ट नहीं होगा, लेकिन याद रखें अगले शुक्रवार को क्राइम पेट्रोल सतर्क का एपिसोड रात 10:30 बजे टेलीकास्ट होगा। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।